नमस्कार दोस्तों, आज आपको शर्ट में पेस्टिंग चिपकाना सिखाएंगे। ये पेस्ट सारा मैंने काट कर तैयार कर लिया है और इस प्रकार आप जिस भी कपड़े पर पेस्ट चिपकाना चाहें उसको एक बार प्रेस से सीधा कर लें। और आपको अब देख सकते हैं कि कफ चिपका कर मैं दिखाऊंगा, एक कफ चिपका रहा हूं मैं, दूसरा आप इसी प्रकार चिपका लें। ये ध्यान रहे कि उल्टी साइड ही आपको जो भी पेस्ट है वो चिपकाना, कपड़े के उल्टी साइड नहीं चिपकाना। तो इस प्रकार चिपका लें आप और इस प्रकार प्रेस से मोड़ दें और एक बार इसको उथल कर प्रेस ऊपर आवश्यक करें और ये हमारा कप चिपक तैयार हो गया। अब यहाँ पर अब कलर लेंगे हम और कलर को भी इस प्रकार चिपका लेंगे। कलर के नज़दीक ही बैन को भी चिपकाएंगे हम। देख सकते हैं आप किस प्रकार चिपकाया जा रहा है वीडियो में, कृपया वीडियो पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। और भी चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड है दोस्तों, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बैन की तरफ कुट लगा लें और हल्के हल्के प्रेस से यहाँ पर इस बैन की साइड को भी प्रेस से अंदर दबा दें ताकि जो सफाई है वो अच्छे से आ जाए। और इस प्रकार हमारा कॉलर है वो चिपकर तैयार हो गया दोस्तों। और यहाँ पर अब बाजू की फट्टी चिपकाएंगे, जो बाजू में हमारी फट्टी लगती है इनको चिपकाएंगे यहाँ पर। ये भी उल्टी साइड ही रख लें इस प्रकार, ये उल्टी सुल्टी भी हो जाती है दोस्तों, ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इसको हम काट देंगे और इसकी भी साइड एक एक साइड दोनों फटियों की मोड़ देंगे इस प्रकार से, और इस साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल देंगे। और इस प्रकार दोनों साइड को मोड़ते हुए इसको इसके अब बीच से भी हम कटाई कर लेंगे दोस्तों, और इसको इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। ये फट्टी हमारी तैयार हो गई है, अब इसकी बीच से कटाई कर देंगे। तो ये दोनों फट्टी हमारी तैयार हो गई है। और अब इस पर दोस्तों सामने का फेस हमारा ये जो काज फट्टी है वो चिपकाएंगे। ध्यान रहे कि काज की तरफ ही फट्टी को चिपकाना है, बटन की साइड ये जो पेस्टिंग है वो नहीं चिपकती। और ये इस प्रकार चिपकाई जाती है, देख सकते हैं आप, इसको इस प्रकार मोड़ लें। ये कानी से डेढ़ या दो या ढाई इंच अंदर की तरफ चिपकाई जाती है दोस्तों, और इसके ऊपर भी प्रेस फेर दें। और हमारी जो सामना फटी है वो चिप गई। अब जेब का निशान लगाएंगे, जेब का चौथा हिस्सा ले लें, जैसे कि 32 की जेब है तो आप 8 नीची जेब ले लें और साइड फट्टी से 2 ले लें। तो इस प्रकार यहाँ पर जेब ऊपर रख कर देख लें दोस्तों, ताकि जो धारी हमें शर्ट की वो कई बार कपड़े की धारी हो वो मिलानी, धारी के अंदर धारी मिलानी होती है। तो इस प्रकार जितनी साइज की आप जेब लें वो ले लें। और यहाँ पर मैं इसको एक बार रख कर देख लेता हूँ कि धारियाँ जो है वो मिल रही कि नहीं। तो यहाँ पर धारियाँ हमारी जो बिल्कुल सीधी मारी है, तो इसको अब जेब को हम तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं जेब को इस प्रकार मोड़ लें दोस्तों। और यहाँ पर जितनी आपने जेब का साइज लेना है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4.5 और 5.25 ली है, तो आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जेब हमारी चिपकर तैयार हो गई है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।